आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस पी एन नाइन के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है यह झटका लगने के आसार पहले ही दिखाई दे रहे थे जब प्रशांत किशोर अपना इस्तीफ़ा पटक रहे थे लेकिन बाद आगे चलते चलते तलखियाँ बढ़ती गई और आखिर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को बाहर निकल का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी से नीतीश कुमार द्वारा अब पार्टी से बाहर आने के बाद सियासी गलियारों में यह भी बात चल रही है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी का दामन थाम लेंगे यह बात कितनी सच है यह आने वाले वक्त पे पर पता चलेगा लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरह जज्बातों में आकर नेता ऐसे बयान दे जाते हैं कि उन पर ही उंगलियां उठने लगें शायद शायद उन पर ही उंगलियां उठने लगती हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं अजय आलोक की जो जेडीयू के नेता हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को लेकर कि एक हलचल मच गई अब यह हलचल क्यों मची है आइए इस पर चर्चा करते हैं हम आपको बता दें कि जिस तरह दोनों ही नेताओं को निकाल दिया गया है पार्टी से तो अब यह देखा जा रहा है कि भाई आखिर किस पार्टी में जाएंगे यहाँ प्रशांत किशोर ने भी धन्यवाद कहा है नीतीश कुमार को और कहा है कि बिहार को आप उसका भला करते रहिए मुख्यमंत्री के रूप में उनको बधाइयाँ ही दी हैं एक तरह से कोई बुरा भला कुछ भी नहीं कहा है प्रशांत किशोर ने लेकिन यहाँ पर अजय आलोक है वह कह रहे हैं कि दो बालक दुश्मन बन गए हैं विश्व विश्व विश्वसनीयता के क्या कहने कभी एक डाल कभी दूसरी पात जहाँ चारा वहाँ मुँह मारा राजनीतिक विमर्श दूषित किया यह कहते चले आ रहे हैं यह प्रशांत किशोर के संबंध में कह रहे हैं कि जहां चारा वहां मुंह मारा बड़ा बयान है प्रशांत किशोर के, के लिए लेकिन क्या प्रशांत किशोर जब जेडीयू में आए थे तो क्या जेडीयू ने भी चारा फेंका था उनके लिए तब वह जे में आए थे आज चारा खत्म हो गया है जेडी के पास इसलिए वह चले गए अजय आलोक क्या आप भी चारा देखकर ही जेडीयू के पास आए हैं या आप इतने क्या बोलते हैं उसे कि सन्यासी हैं फकीर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं झोला उठा कर चले जाएंगे तो आप भी एक झोला लेकर ही जेडीयू में आए थे आपको किसी प्रकार का चारा नहीं चाहिए था क्या जेडीयू चारा डालता है इस तरह के बयान निंदनीय होते हैं आप भले ही उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जो अब आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं लेकिन कल तक तो वह आपकी पार्टी के सदस्य ही थे वही लालची लोग जिन्हें आप लालची बता रहे हैं वही तो उपाध्यक्ष बने हुए बैठे थे और आप उनके पीछे पीछे चलते थे उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे अब क्या हो गया पार्टी छोड़ दिया तो जहाँ चारा वहाँ मुँह मारा अब तक तो प्रशांत किशोर ने यह भी तय नहीं किया है कि वह किस पार्टी में जाने वाले हैं बल्कि यह प्रोपेगेंडा हो सकता है कि शायद वह टीएमसी में चले जाएं और चले भी जाते हैं तो आपको आपत्ति क्या है यही तो आपकी पार्टी ने भी किया था जहाँ चारा वहाँ मुंह मारा लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया आपने बिहार में सरकार बनाई फिर आपको लगने लगा कि सीबीआई की बैठक होगी सीबीआई की जांच हो जाएगी ईयू की जांच ईयू के छापे पड़ेंगे आपने क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया आपने भी तो जहाँ चारा देखा वहीं मुंह मार दिया तो हो सकता है प्रशांत किशोर ने अपने गुरु नीतीश कुमार उस पार्टी से ही यह सब सीखा हो मुँह मारना तो आपको एक बार ऊपर सोचना चाहिए था थोड़ा पुनरावृत्ति करनी चाहिए थी कि आपने किस तरह की सरकार बना रखी है धोखे की सरकार चल रही है बिहार में इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में मौजूदा समय में जो सरकार है वह धोखे की सरकार है आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति को निशाना बनाते हुए गठबंधन करके मतदाताओं से मत प्राप्त किए थे और आपने उसी सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन कर लिया जिसकी आप आलोचना कर रहे थे और आपने वोट प्राप्त किए थे तो यह किस तरह की सरकार आपने बनाई है क्या मतदाताओं के साथ आपने धोखा नहीं किया है विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं है विचारहीन है आपकी पार्टी में सभी क्या आप प्रशांत किशोर के, के निकल जाने के बाद आप सी ए और एन आर सी आप लागू कर देंगे बहुत ज़्यादा सोचना है आपको अजय आलोक जी आप एक नेता हैं नेता की तरह ही बात करिए बल्कि उनकी तरह बात मत करिए अब उनको अगले शब्द में क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं खुद तो उनकी तरह बात मत करिए बिल्कुल भी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता हो चुके हैं हो सकता है कल आपके बयान भी आया कि पाँच सौ रुपये में प्रदर्शन चल रहा है अरे पार्टी छोड़ने का सिलसिला तो लगातार चल रहा है जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं अपने दल को छोड़कर उनके संबंध में आपने कुछ कहा जे में भी कई नेता आए होंगे आपने आज तक उनको कुछ कहा बल्कि आपने तो गठबंधन तोड़ के ही सत्ताधारी दल के पैरों को पकड़ लिया चाटुकारिता करने लगे तब आपने चारा को देखकर मुंह नहीं मारा क्या अरे कितने सवाल उठते हैं मुझे लगता है जिस तरह भी योगी सरकार के जेल मंत्री ने कहा कि एक नेता को पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप भी लगता है उसी जमात के हैं आप भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको समझना चाहिए कि पढ़ने लिखने से बुद्धि बढ़ती है गलत बयानी नहीं हो पाती है तो इसलिए आप एडमिशन ले सकते हैं बुढ़ापे में भी लोग पढ़ रहे हैं बढ़ती उम्र में भी लोग पढ़ते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं पढ़ाई कीजिए और साक्षर बनिए सही बयान दीजिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद